आप देख रहे रिपोर्टर्स पेज, वक्त है 1 मिनट 10 खबरों का। दिल्ली में 31 दिन आबादी के करीब पहुंचे कोरोना जांच विशेषज्ञ, बोले अभी लड़ाई लंबी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना, भारत में जुलाई में चरम पर होगा कोरोना संक्रमण, हो सकती 18,000 से ज्यादा मौतें। फिरोजाबाद में कोविड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज का हाई वोल्टेज ड्रामा, सुरक्षा कर्मी को लोहे की ग्रिल से पीटा। अहमदाबाद गोरखपुर स्पाइस जेट विमान में यात्रा कर रहे 2 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। रेलवे ने 1 मई से अब तक चलाई 3,604 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 48 लाख से अधिक प्रवासियों ने की यात्रा। 41 साल बाद बदलेगी प्रवासी मजदूरों की परिभाषा, बिल लाने की तैयारी में सरकार, श्रम मंत्री ने की बात की पुष्टि। गोरखपुर में झमाझम बारिश, लोगों ने राहत की सांस, आज भी छाए रहेंगे बादल। जम्मू में तापमान 42 पार, अनंतनाग में आंधी से महिला की मौत, आज बारिश का अनुमान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों के छिपे होने की सूचना, सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। पाकिस्तान सेना ने बालाकोट में फिर तोड़ा संघर्ष विराम, सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को बनाया निशाना। ये थी आज की कुछ खास खबरें, फिर लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।